तो आज की रेसिपी है डबल चीज़ पफ्ड पिज़्ज़ा, जो बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, नॉर्मल पिज़्ज़ा से काफ़ी अलग होता है। तो इसमें इनसाइड और आउटसाइड, अंदर बाहर दोनों तरफ चीज़ से ओवरलोड होता है ये, तो एकदम भर भर के इसमें चीज़ ऐड की जाती है, जिससे इसका टेक्सचर बहुत ही यमी लगता है। बहुत आसान है इसको घर में बनाना, तो आप भी इसको घर में ट्राई करिए, आपके घर में सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और साथ में ही बनाएंगे इसकी चीज़ी सॉस, वो भी बहुत आसान है बनाना। तो केवल 5 से 6 मिनट में ये सॉस बनके भी रेडी हो जाती है। तो चलिए फिर इसकी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग शुकिंग विद काजल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले इसका डो लगाएंगे, तो जिसके लिए मैंने यहाँ पर 1/2 कप गुनगुना पानी लिया है। आपको यहाँ पर गुनगुना पानी लेना है, बहुत ज़्यादा गर्म पानी हमें यूज़ नहीं करना है। अब इसमें हम 1 चम्मच चीनी डालेंगे, जिसको हमें अच्छे से डिज़ोल्व करना है। तो जब चीनी पानी में अच्छी तरीके से घुल जाए, तभी हमें इसका आगे का प्रोसेस करना है। तो यहाँ पर चीनी देखिए अच्छे से घुल गई है। अब यहाँ पर 1 छोटा चम्मच ड्राई यीस्ट ऐड करेंगे और इसको हमें अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तो अब इसको हम कवर करके लगभग 5 से 7 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तो 7 मिनट के बाद देखिए ईस्ट जो है वो अच्छी तरीके से एक्टिवेट हो गई है, इसमें बबल्स आ गए हैं, जिसका मतलब है कि हमारी ईस्ट एकदम परफेक्ट तरीके से एक्टिवेट हो गई है। अब हम इसका डो लगाएंगे, तो डो लगाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 कप मैदा का यूज़ किया है। तो जिस कप से आपने पानी लिया है, आप उसी कप से यहाँ पर मैदा का मेज़रमेंट करें। अब इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, तो नमक हमें यहाँ पर थोड़ा ही डालना है, क्योंकि हम बाकी चीज़ों में भी नमक यूज़ करेंगे। तो अब इसमें हम 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे और इन सबको हमें अच्छी तरीके से मिक्स करना है। तो आप डो में मेज़रमेंट का पूरा ध्यान रखें, तो आपका जो पिज़्ज़ा है वो बहुत ही परफेक्ट बनेगा। अगर आपके पास मेज़रिंग कप नहीं है, तो आप किसी भी चीज़ से इसका नाप बना सकते हैं। तो अब जो ईस्ट हमने एक्टिवेट की थी, वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको बहुत ही हल्के हाथों से हमें मिक्स करना है। हमें इसको केवल आपस में जोड़ना है, हमें बहुत ज़्यादा मसल मसल के इसका डो नहीं लगाना है। तो ये आपस में केवल बंध जाए, हमें इसका इतना ही डो लगाना है। तो यहाँ पर 1 से 2 चम्मच पानी ऐड करेंगे, ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी है, आपको यहाँ पर बिल्कुल भी ठंडे पानी का यूज़ नहीं करना है। और इस डो को लगाने के लिए बहुत ही हल्के हाथों से आपको इसको लगाना है। तो अब इसमें हम 1 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरीके से चिकना करना है हमें। तो बस आपको डो लगाने में बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। तो 1 मिनट तक इस तरीके से हमें डो को चिकना करना है। तो इस तरीके से अगर आप डो को चिकना करेंगे, तो जिसको लेयर है उसमें अंदर तक एयर पास होगी, तो जिससे जो डो है वो बहुत अच्छी तरीके से फर्मेंट होगा। तो आपको 1 मिनट तक ये प्रोसेस करना है। तो यहाँ पर हमारा पिज़्ज़ा डो लग के बिल्कुल तैयार है। तो इसमें थोड़ा सा हमें ऑयल डालना है और इसको चारों तरफ से हमें ऑयल से अच्छी तरीके से कवर करना है, ताकि किसी भी तरफ से ये ड्राई ना हो। अब थोड़ा सा ऑयल हमें डो के ऊपर लगा देना है, जिससे इसकी जो ऊपर वाली परत है वो बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगी। तो डो लग के बिल्कुल रेडी है। अब इसे किसी भी एल्यूमिनियम फॉइल से या फिर आप किसी भी भारी बर्तन से कवर करके रख दें, ताकि इसमें एयर जो है ना वो अंदर को पास ना हो। और इसको हम कम से कम 1.5 से 2 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तो 1.5 से 2 घंटे में अच्छी तरीके से फर्मेंट हो जाएगा, तब तक हम इसके लिए सॉस रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन में 2 बड़े चम्मच बटर लिया है, जिसको हमें अच्छे से मेल्ट करना है। तो आपको इस टाइम पे अपने गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है। अब इसमें 2 बड़े चम्मच मैदा ऐड करेंगे, तो इसको 1 मिनट तक हमें अच्छी तरीके से भूनना है, जब तक इसमें से खुशबू ना आने लगे। तो 1 मिनट में आपकी मैदा अच्छी तरीके से भून जाएगी, बहुत ज़्यादा हमें इसे नहीं भूनना है। तो इस टाइम पे आप अपने गैस की फ्लेम को मीडियम रखें। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 ग्लास दूध लिया है, जिसको हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। एक साथ ऐड करने से इसमें गुठलियाँ पड़ सकती हैं। तो जब आप इसमें दूध ऐड करें, उस टाइम पे आपको अपने गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेना है,
क्योंकि जो मैदा है वो बहुत जल्दी दूध को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसको हमें अच्छे तरीके से मिक्स करते रहना है और 3 से 4 बार में हम पूरा दूध ऐड कर देंगे इसमें। तो जब सारा दूध इसमें ऐड हो जाए और इसकी जितनी भी गुठलियाँ हैं वो रिमूव हो जाए, उस टाइम के बाद आपको अपने गैस की फ्लेम को मीडियम कर लेना है और इसको हम 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो जब सॉस हल्की सी थिक हो जाए तब यहाँ पर हम चीज़ ऐड करेंगे। तो अब इसमें हम 1/2 कप प्रोसेस चीज़ का यूज़ करेंगे और इसको अच्छी तरीके से हमें मेल्ट करने तक कुक करना है। तो 5 से 6 मिनट में ये सॉस बनके रेडी हो जाती है, बहुत ज़्यादा टाइम हमें इसमें नहीं लगता है। तो आपको इस सॉस को बनाने के लिए प्रोसेस चीज़ का ही यूज़ करना है और किसी भी चीज़ का हमें यहाँ पर यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए हमारी एकदम क्रीमी चीज़ी सॉस बनके रेडी है। तो इसको हम 1 मिनट तक अभी और कुक करेंगे। आप इसको वाइट सॉस पास्ता में या फिर फ्रेंच फ्राई या फिर एज ए डिप इसको सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो देखिए इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो एकदम परफेक्ट है। तो यहाँ पर हमारी चीज़ी सॉस बनके बिल्कुल रेडी है। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाए तब आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में 1 हफ्ते तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। तो केवल 5 से 6 मिनट में ये सॉस बनके रेडी हो जाती है। तो इसे किसी भी इटालियन रेसिपी के साथ सर्व किया जा सकता है, इसका बहुत ही टेस्टी फ्लेवर होता है। आप इसको फ्रेंच फ्राई के साथ सर्व करिए या फिर आप इससे पिज़्ज़ा बनाइए। और अब हम इसको स्टोर करके लगभग 1 हफ्ते तक फ्रिज में स्टोर करके रखेंगे, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो हमारी सॉस बनके बिल्कुल तैयार है। तो डो को चेक कर लेते हैं। तो 1.5 घंटे के बाद देखिए डो कितने अच्छे तरीके से फर्मेंट हुआ है। आप ऊपर स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि पहले इसका क्या साइज़ था और अब अपने साइज़ में ये डबल हो गया है। तो इस तरीके से हमें इसकी सारे एयर को निकाल देना है। तो हमारा पिज़्ज़ा डो बनके बिल्कुल तैयार है। तो थोड़ी सी मैदा डस्ट करेंगे, अगर आपके पास मक्के का आटा है तो आप उसको भी डस्ट कर सकते हैं या फिर आप इसके क्रंचीनेस के लिए सूजी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम 2 पार्ट में कट करेंगे क्योंकि आज हम डबल चीज़ बस पिज़्ज़ा बना रहे हैं, तो जिसको हम 2 लेयर में बनाते हैं तो इसका थोड़ा सा पार्ट हमें छोटा रखना है, तो जिससे हम इसके ऊपर की लेयर बनाएंगे और दूसरा पार्ट हमें थोड़ा बड़ा रखना है जिससे हम पिज़्ज़ा बेस बनाएंगे। तो जब तक हम इसका ऊपर वाला पार्ट रेडी करते हैं तब तक हमें दूसरा वाले पार्ट को कवर करके रख देना है ताकि ये ड्राई ना हो। तो इसमें हम थोड़ी सी मैदा डस्ट करेंगे और जिस तरीके से हम रोटी बेलते हैं उस तरीके से हमें इसको रोटी से थोड़ा सा मोटा रखना है। तो जितना बड़ा साइज़ हमें पिज़्ज़ा बेस का रखना है उससे थोड़ी सी छोटी हमें इस रोटी को बेल के रेडी कर लेना है। तो अब यहाँ पर मैंने हाई फ्लेम पर एक तवे को अच्छी तरीके से गरम करा है। तो आपको अच्छी तरीके से तवे को गरम करने के बाद ही इस रोटी को इसमें ऐड करना है और हम केवल 1 मिनट तक दोनों साइड से इसको कुक करेंगे ताकि इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। तो हमें इसका बहुत ज़्यादा कलर नहीं चेंज करना है। तो देखिए हमारी जो इसकी ऊपर की जो लेयर है वो बनके बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार है। तो अब हम इसका पिज़्ज़ा बेस रेडी करेंगे। तो थोड़ी सी मैदा डस्ट करने के बाद थोड़ा सा हम इसको हाथों से बड़ा करेंगे। तो अब इसको हम बहुत ही हल्के हाथों से बेलन से थोड़ा सा लंबा करेंगे। तो जो आपने रोटी बनाई है उससे थोड़ा सा हमें इसका साइज बड़ा रखना है।
तो अब इसके ऊपर हम रोटी रख के चेक कर लेंगे। तो एकदम परफेक्ट है, बस रोटी से हमें इसको थोड़ा सा ही बड़ा रखना है, बहुत ज़्यादा बड़ा हमें नहीं रखना है। तो अब इसे हम किसी माइक्रोवेव तवे पे ट्रांसफ़र कर लेंगे। और इस तरीके से हमें थोड़ा इसको साइज देना है। तो बहुत आसान है इस पिज़्ज़ा को घर में बनाना, आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिए। अब इसके किनारों को हमें थोड़ा सा शेप देना है ताकि जब हम इसमें चीज़ सॉस ऐड करें तो वो बेक होते टाइम बाहर ना निकले। तो इस तरीके से हम इसके कॉर्नर को हल्का सा शेप देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको प्रॉपर शेप दे दी है। तो अब हम फोक से इसमें डॉट्स बनाएंगे ताकि ये बेक करते टाइम फूलेगा नहीं। तो बिल्कुल रेडी है, अब इसमें हम चीज़ सॉस ऐड करेंगे। तो अब हम इसमें आधा कप के लगभग चीज़ सॉस ऐड करेंगे और इसको चारों तरफ से अच्छी तरीके से हमें स्प्रेड कर देना है। तो इसमें जो मेन फ्लेवर होता है वो चीज़ सॉस का ही होता है, तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ सॉस ऐड करनी है और इसको इवनली हम स्प्रेड कर देंगे। तो चीज़ से एकदम ओवरलोड पिज़्ज़ा बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो ये बिल्कुल तैयार है, अब जो हमने रोटी बनाई थी वो इसके ऊपर हमें रख देनी है और इसको हम चारों तरफ से अच्छी तरीके से कवर कर देंगे ताकि बेक करते टाइम जो इसकी सॉस है वो बाहर ना निकले। तो हमें चारों तरफ से इसको अच्छी तरीके से कवर कर देना है। तो पिज़्ज़ा बेस की लेयर और ऊपर वाली लेयर को हमें अच्छी तरीके से ज्वाइंट करके कवर कर लेना है। तो ये बिल्कुल रेडी है, तो अब इसमें हम टॉपिंग करेंगे। तो टॉपिंग करने के लिए यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच पिज़्ज़ा सॉस ली है जिसको चारों तरफ से अच्छे तरीके से स्प्रेड कर देना है। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच तंदूरी मेयोनीज ऐड करेंगे, अगर आपके पास है तो आप डालिए, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसको भी चारों तरफ से अच्छी तरीके से हमें स्प्रेड कर देना है। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच वेज मेयोनीज ऐड करेंगे, इसको भी हमें अच्छे तरीके से स्प्रेड कर देना है। आप इसमें अपने पसंद की कोई भी वेजेस ऐड कर सकते हैं, लेकिन आज हम इसको बिना वेजेस के बना रहे हैं, केवल चीज़ डाल के इसको बना रहे हैं। तो अगर आप चाहो तो आप इसमें प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च कुछ भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम 1/2 छोटा चम्मच पिज़्ज़ा सीजनिंग ऐड करेंगे और 1/2 छोटा चम्मच ओरिगैनो, 1/2 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, 1/2 छोटा चम्मच। तो नॉर्मल पिज़्ज़ा से इस वाले पिज़्ज़ा में चीज़ थोड़ी ज़्यादा ऐड की जाती है, तो आप यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ को ऐड करें। तो हम पूरी तरीके से इसको चीज़ से कवर कर देंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल रेडी है हमारा पिज़्ज़ा, अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी वेज मेयोनीज ऐड करेंगे। और अब इसके ऊपर थोड़ी सी पिज़्ज़ा सीजनिंग और ओरिगैनो को हल्का सा स्प्रिंकल करेंगे और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल करेंगे। तो आप चाहें तो इसी टाइम पे इसमें वेजेस ऐड कर सकते हैं। अब इसके साइडों को थोड़ा सा हम ऑयल से ग्रीस करेंगे ताकि इसमें बहुत बढ़िया सा कलर आए। आप चाहो तो आप इसको दूध से भी ग्रीस कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा हमें ब्रश की हेल्प से इसको ग्रीस कर देना है।
तो ऑयल या दूध ऐड करने से जो इसके किनारे हैं उसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से गोल्डन ब्राउन कलर आएगा। तो ये बिल्कुल रेडी है बेक होने के लिए। तो यहाँ पर मैंने माइक्रोवेव को 10 मिनट के लिए कन्वेक्शन मोड पे प्रीहीट कर लिया था। आपको माइक्रोवेव को प्रीहीट करके यूज़ करना है। अब इसको हम 15 मिनट के लिए 200 डिग्री पे कन्वेक्शन मोड पे बेक करेंगे और उसके बाद हम इसको 6 मिनट के लिए कन्वेक्शन प्लस ग्रिल मोड पे बेक करेंगे, जिससे इसमें बहुत ही बढ़िया कलर आएगा। तो टोटल हमें इसे 21 मिनट के लिए बेक करना है। तो 21 मिनट हो चुके हैं। तो देखिए कितने बढ़िया तरीके से इसमें कलर आया है, बहुत ही बढ़िया तरीके से ये बेक हुआ है। तो हमारा डबल चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा बनके बिल्कुल रेडी है। तो कट करने से ही आपको पता लग रहा होगा कि इसमें जो चीज़ है वो कितनी अच्छी तरीके से मेल्ट भी हुई है और अंदर और बाहर चीज़ से बिल्कुल ओवरलोड पिज़्ज़ा बनके रेडी है। तो बहुत आसान रेसिपी है, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिए, बहुत पसंद आएगा ये सबको। तो देखिए कितनी अच्छी तरीके से इसकी चीज़ अंदर और बाहर दोनों तरफ से मेल्ट हुई है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी आसान सी रेसिपीज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।